महाराष्ट्र में बहुत ही गर्मी तेज़ है फ्रेंड्स, और बच्चे इस मौसम में कुछ ना कुछ खाने के लिए फरमाइश करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसा स्नैक्स बनाते हैं जिससे हमें पेट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसे बनाने के लिए देखिए, थोड़ी सी मैंने हरा धनिया ले लिया है, दो हरी मिर्च ले ली है, कुछ पुदीना के पत्ते ले ली है, 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 चम्मच जीरा। उसी के साथ मैं फ्रिज में एक देखिए बॉयल्ड आलू पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले इनका हम एक बढ़िया से पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी है, और इसके साथ में मैंने एक छोटा सा प्याज भी काट लिया है। तो सबसे पहले प्यान में हम थोड़ा सा ऑयल का यूज़ करेंगे, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब तेल जैसे गर्म हो जाता है इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे, और जैसे ही थोड़ा क्रैकल हो जाए इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। देखिए हल्का सा फ्राई हो गया, ऐसी स्टेज में हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसे डाल देंगे, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो टेम्परेचर पर अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब इस पर डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी के साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, और अच्छी तरह से इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे ताकि मसाले ना जले और मसाले अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें हमने जो बॉयल्ड आलू रखा था उसे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। आप चाहे तो ग्रेटर से भी इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं, और अच्छी तरह से इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आलू का मसाला रेडी हो चुका है, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को हम ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रेड ले लिया है, इसके एजेस को हम इस तरह से काट लेंगे। अब बेलन से सभी ब्रेड को अच्छी तरह से हम चपटा कर लेंगे। इस तरह से सभी ब्रेड को हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए एक घोल बना लेते हैं। तो ये देखिए एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच मैदे का यूज़ किया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा बैटर रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी इसे इस ब्रेड में इस तरह से डाल देंगे, और जो हमने मैदे का घोल बना के रखा था उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर देंगे ताकि जो आलू का स्टफिंग है वो ना निकले, और इसे अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे और सभी स्नैक्स को इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये सभी स्नैक्स बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके रखा था। अब एक एक करके हम इसमें इन स्नैक्स को डालेंगे और अच्छी तरह से दोनों तरफ से हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्नैक्स अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो चलिए एक एक करके इसे निकाल लेते हैं और सारे स्नैक्स को इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखें ना फ्रेंड्स आज का हमारा स्नैक्स कितना क्रिस्पी बना है, और अंदर की स्टफिंग देखिए कितनी यमी बनी है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये ब्रेड के स्नैक्स की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।